अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल आसमास किचन में। तो आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो चलिए आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसा नाश्ता जो हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और झटपट से ये तैयार हो जाता है। तो आज हम बनाने वाले हैं रवा अप्पम। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर दो कप हमने यहाँ पर रवा ली यानी सूजी और एक कप पोहा लिया है। तो ये दोनों चीज़ों को हम थोड़ा सा पीस लेंगे। अगर सूजी बारीक है तब भी आप इसे पीस लें। तो जार में हम डालेंगे ये पोहा और इसमें हम थोड़ा सा रवा डाल देंगे और इसे अब हम पीस लेंगे। तो ये सूजी और पोहे को हमने पीस लिया है, अब इसे एक बड़े से बाउल में डालेंगे और ये बची हुई सूजी को भी इसी तरह पीस लेंगे। तो ये सूजी को हमने पीस लिया है, इसे भी डाल देंगे। एक टीस्पून डालेंगे इसमें चीनी, एक टीस्पून नमक और एक कप डालेंगे इसमें दही और इसमें एक कप के करीब डालेंगे पानी और ये सारी चीज़ों को कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो ये देखिए मिक्स करने के बाद में अब इसमें हम आधा कप के करीब पानी और डालेंगे, अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया है और कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी पतली है। तो इसे हम 10 से 12 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देते हैं ढककर, क्योंकि ये सूजी और पोहा है तो ये थोड़ा सा थिक होगा। तो इसे अभी हम रख देते हैं इसी तरह। अप्पम के साथ जो चटनी खाई जाती है उसे भी हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने आधा कप के करीब ग्रेटेड नारियल लिया है, ये डाल देंगे और यहाँ पर दो हरी मिर्च और एक टेबल स्पून के करीब रोस्टेड चना ये डाल देंगे और थोड़ी सी इमली और एक टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, एक से दो टेबल स्पून के करीब पानी डालेंगे और इसे अब हम पीस लेंगे। तो ये देखिए चटनी को हमने पीस लिया है, अब इसमें लगाएंगे हम तड़का। चटनी में तड़का लगाने के लिए फ्राई पैन में हम डालेंगे एक टेबल स्पून के करीब ऑयल, एक टीस्पून राई और जीरा ये डाल देंगे और थोड़ा सा करी पत्ता और साबुत लाल मिर्च। चलिए तो गैस को करेंगे हम बंद और इसे हम डालेंगे चटनी में, अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये लीजिए अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया है, ये देखिए चटनी तैयार है। तो ये देखिए कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ना ज़्यादा गाढ़ी है और ना ज़्यादा पतली है। चलिए तो बनाते हैं हम इसके अप्पम। तो अप्पम बनाने से पहले हम इसमें डालेंगे एक पूरा पाउच इनो का, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जब आप अप्पम बनाएं तभी आप इसमें इनो डालें, पहले से इनो ना डालें। तवे पर हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, ऑयल डालकर इस तरह से एक कॉटन के कपड़े से या फिर एक टिश्यू पेपर से इस तरह साफ कर लें। तो ये देखिए अप्पम पे इस तरह की जाली आने लगेगी। तो जब अप्पम पे इस तरह जाली आने लगे तो हल्का सा हम इस तरह किनारों पर ऑयल लगाएंगे। तो ये देखिए अप्पम अच्छी तरह से गया है, अब इसे हम निकाल लेंगे और इस तरह सारे अप्पम बनाकर हम तैयार कर लेंगे।